कि मैं आ गए अभी इंडिया गेट पे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये इंडिया गेट, तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, सामने जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इंडिया गेट के अंदर क्या क्या है। पे और एक रोमांच बात है कि हर एक वो जवान का नाम है जो शहीद हो गया था, ऐसा नहीं हर तरफ ये बोली हर दीवार पे वो लिखा नाम होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा ये है कारण नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है चलो देखते हैं। आगे जाते हैं, चलो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे और देखेंगे ये हमारे जवान जो मेमोरी है वार सैनिक के बारे में, उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे डिटेल से। यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का भारत का फ्लैग, इंडियन आर्मी का फ्लैग, नेवी का फ्लैग और एयर फोर्स का फ्लैग भी है इधर। Battle of Rejang Lawas Beach Battle fought during India China border conflict 1962. ये मेमोरी है उन जवानों के लिए जो हमारा भारत के लिए शहीद हुआ था बाहर देश से। हमारा भारत पे जो जब जब अटैक किया गया तब हमारा देश का सैनिक साहसी से और वीरता से उनको हराया और खदेड़ा। यही इसी के लिए यही शहीद मेमोरियल बनाया गया था। यहाँ पे वही वो हर एक शहीद जवान का नाम लिखा हुआ है जो 1971 पे और सारे वार पे जो जो आर्मी शहीद हो गया था उन्हीं का नाम इधर लिखा हुआ है। देखिए उस तरफ भी देख सकते हैं, उस तरफ भी है हर एक वो
अच्छा ये वाला इंडिया और पाकिस्तान का वार है जब 1962 ये शायद आर्मी वालों के घर से कोई आया था इसीलिए फूल देकर गए हैं। इन सैनिकों का नाम देख के गर्व भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि आज ये जवान शहीद हो रहे हैं।